3D मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D मतलब क्या होता है, पीछे समझो इसको। 3D मतलब हुआ, ये हुआ मेरे पास x एक्सिस, ये हुआ मेरे पास y एक्सिस, और एक और एक्सिस रहेगा अंदर इस तरह से, होगा क्या बोले तो z एक्सिस। क्या होगा z एक्सिस मतलब कोई भी पॉइंट का पोजीशन बताएं, कोई भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन बताएंगे, तो 3 एक्सिस से उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस से क्या उसका पोजीशन है वो बताना पड़ेगा। मतलब किसी भी पॉइंट को हम बता रहे हैं तो स्पेस में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम लोग, स्पेस में उसका पोजीशन बता रहे हैं। एक्स और वाई में रहता था क्या होता था, एक प्लेन में उसका पोजीशन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 पोजीशन है इसका। मतलब कि अगर हम कोई प्लेन में कोई डायग्राम का बताते हैं, यहाँ पर कोई पोजीशन बता रहे हैं, तो कहाँ पे है बताओ, एक प्लेन में, तो प्लेन में क्या जरूरत पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है बोलो, एक्स वाई जरूरत पड़ता है इसे, कि प्लेन क्या है, अगर हम एक्स वाई जेड करेंगे तो कहाँ होगा वो, एक प्लेन में होगा, तो स्पेस में क्या होगा वो, स्पेस में होगा। एक्स वाई जेड एक कोई पॉइंट का प्रोजेक्ट इस तरह से हम लोग का रहेगा। दूसरा यहाँ पे एक बात और सुनो, कुछ बात जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिया रहेगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, नेक्स्ट रहेगा हम लोग एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये ए है और ये क्या है हम लोग बात बोला तो बी है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर स्पेस में, स्पेस में 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऐसा होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हम लोग पहले जाते थे, एक बार हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, रूट, क्लियर है यहाँ तक, सुना आगे फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अगर 2 पॉइंट गिवन रहेगा 3D स्पेस में, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ये हो गया क्या हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, सेम टाइप से अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और जेड वन, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पास एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी क्या है हम लोग पास बोले तो गिवन है हम लोग के पास ना, तो ये पॉइंट हम लोग के पास एक्स वाई और जेड, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं सी है एक्स वाई जेड, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास बोलो तो, एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू वाई टू, जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड वन प्लस जेड टू वाई टू, क्लियर याद है, एक्स इक्वल टू क्या होगा बोले तो, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई इक्वल टू क्या होगा बोलो, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ये एक्स निकाला तो दोनों एक्स वाई टू से डिवाइड, ये वाई निकाला दोनों वाई इक्वल टू टू से डिवाइड, जेड जेड निकाला दोनों वाई टू से डिवाइड, क्लियर है यार, मतलब दो फॉर्मूला सीख गए, क्या फॉर्मूला सीखे बताओ, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा क्या सीखे हम लोग, मेन पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग के पास है सेक्शन फॉर्मूला, क्या है हम लोग के पास, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मान लो कि 2 पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास एक्स वन वाई वन और जेड वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये पॉइंट है मेरे पास, ये हम लोग बोल लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये हम लोग के पास एम वन है, क्या बोले तो एम टू है, हम लोग को ये एक्स निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, एक्स, ठीक है देखना एक फॉर्मूला को समझना, कि एक्स अगर फाइंड करना है, ये वाला एक्स, ये क्या बोल रही है एक्स, तो एक्स कैसे फाइंड होगा, इधर वाला इधर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाला को हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर जो रेशियो है उसको इधर से इधर वाला को उधर से इंटू करेंगे, एक्स निकालेंगे, तो एक्स से इंटू क्या करो, एम वन को क्या से इंटू करेंगे बोले तो एम वन को एक्स टू से, एम वन को एक्स टू से, एम टू को किधर बोले तो इधर से एम टू एक्स वन बाई क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू, हम लोग एक्स निकल गया। तो निर्जिता ये बताओ, ये जो एम वन है इसको हम वाई से क्यों नहीं इंटू किए, जेड से क्यों नहीं इंटू किए, क्या निकाल रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं, इसलिए इधर वाला इधर एक्स साथ इंटू, इधर वाला इधर एक्स के साथ इंटू, ठीक है, फिर वाई इक्वल टू निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, वाई इक्वल टू, वाई कैसे निकालेंगे, इधर वाला इधर
y के साथ इनटू इधर वाला इधर y के साथ इनटू मतलब क्या लिखे हमने तो m1 y2 plus m2 y1 y क्या लिखेंगे m1 plus m2 हम इधर y फाइंड कर रहे थे इधर वाला इधर y के साथ इनटू करेंगे इधर वाला इधर y के साथ इनटू करेंगे y के साथ क्यों इनटू करेंगे क्योंकि y फाइंड कर रहे हैं x साथ क्यों इनटू किया यहां पे क्योंकि x फाइंड कर रहे हैं सेम टाइप से अगर z फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा बोलो इधर वाला z के साथ इनटू m1 z2 plus m2 z1 y क्या लिखेंगे बोलो तो m1 plus m2 क्लियर है यहां तक मतलब ये अगर z फाइंड कर रहे हैं हम लोग तो इधर ले इधर z के साथ इनटू इधर इधर z के साथ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर दो पॉइंट हम लोग पता रहेगा और रेशियो भी पता रहेगा तो ये जो सी है वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट देखो ये बड़ा जरूरी चीज है मान लेते हैं x1 y1 और क्या है तो z1 x2 y2 और z2 दो पॉइंट गिवन है दो पॉइंट क्या है हम लोग के पास दो पॉइंट गिवन है दो पॉइंट गिवन है तब इसको माइनस कर सकते हैं ना x2 में से x1 माइनस कर सकते हैं y2 में से y2 माइनस कर सकते हैं z2 में से z1 माइनस कर सकते हैं z2 माइनस z1 माइनस कर सकते हैं मतलब अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हम लोग को पता चलता है बता दो डायरेक्शन रेशियो क्या पता करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो पता चलता है ना मतलब कि इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो सी डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी सी से जोड़ करते हैं मतलब कि अगर तीन पॉइंट स्पेस में है और माइनस करके जो वैल्यू आता है उसका नाम रखें हम लोग डायरेक्शन रेशियो क्लियर यहाँ तक जहाँ तक कोई डाउट है